दोस्तों आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे ACCR यानी कि आयुष क्लिनिकल केस रजिस्ट्री के बारे में। ये ACCR क्या है और इसका हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, हम इन सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो ACCR है ये आयुष मंत्रालय की बहुत ही शानदार पहल है और यह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। दोस्तों आज तक हमेशा देखा जाता है कि एक हमेशा सवाल पूछा जाता है आयुष सिस्टम के जितने भी चिकित्सकों से कि आपके पास क्या डेटा है कि आपने कौन कौन से मरीज़ ठीक किए। तो इसी सारी समस्याओं के निराकरण के लिए ये ACCR शुरू किया गया है। इसका मकसद यही है कि अगर हम आयुष चिकित्सक हैं, चाहे हम आयुर्वेद के हों, होम्योपैथ के हों, यूनानी के हों, शोवा रिगपा के हों, सिद्धा मेडिसिन को, किसी भी पद्धति के आयुष चिकित्सक हैं अगर हम, और हमने अगर किसी भी केस को सफलतापूर्वक ट्रीट किया है, उसे ठीक किया है, तो उस केस को हम इस पोर्टल पे सबमिट करके उसको हम पब्लिश करा सकते हैं। और इसका फ़ायदा यह होगा कि जितने भी आयुष सिस्टम के चिकित्सक हैं ऑल ओवर इंडिया या यो कहें कि ऑल ओवर वर्ल्ड या जो सामान्य जनता है, वो इस पोर्टल पे विजिट करके उन सारी चीज़ों को देख सकती है और उससे लाभ ले सकती है। तो इसलिए जो ACCR है बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए और हम सबको बढ़ चढ़कर जो भी अगर हमारे पास ऐसा कोई भी केस है तो हमको उस केस को इस पोर्टल पे सबमिट करके उसको पब्लिश कराना सबसे अधिक ज़रूरी है। इस पोर्टल पे आप कोविड के केस भी रजिस्टर करा सकते हैं और नॉन कोविड के केस भी रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग टैब बने हुए हैं। आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो बगैर इस वीडियो का स्किप किए हुए आप शुरू से अंत तक देखें तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि आपका कोई भी केस आप कैसे इस पर रजिस्टर करेंगे, आप कैसे साइनअप करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन आप सबसे ज़रूर है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अधिकांश लोग हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियो भी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आज के डेट में देखा जाए तो हमारे चैनल पे जितने भी व्यूज आते हैं अभी हाल ही में 15 लाख का आंकड़ा वो पार कर चुका है, लेकिन इसमें से सिर्फ 5% लोग ही सब्सक्राइब किए हुए हैं, बाकी 95% जो है व्यूवर्स अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में और आज हम बात करने जा रहे हैं आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी के बारे में। यह जो है सुविधा अभी कुछ दिन पहले ही आयुष मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है और इसका मकसद यही है इस पोर्टल को डेवलप करने का कि जो भी आयुष विधा के जो चिकित्सक हैं और उन्होंने अगर सफलतापूर्वक किसी भी रोग को, किसी केस को ठीक किया है, तो आप यहाँ पे उस केस को सबमिट कर सकते हैं और उसका रिव्यू करने के बाद उस केस को यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होम है, अबाउट अस, फैक्स, पब्लिश्ड केसेस, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे साइनअप और साइन इन। तो साइनअप आप अगर पहली बार इस वेबसाइट पे आए हैं तो आपको साइनअप करना होगा और उसके बाद अगर कभी भी आते हैं तो आपको साइन इन करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं पब्लिश्ड केसेज में। तो देखिए हमें पब्लिश्ड केसेज में यहाँ पे आयुष डिसिप्लिन दिखा रहा है, जब आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा जिस केस के बारे में आप देखना चाहें उसको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे स्पेशलिटी दिखा रहा है, जिस स्पेशलिटी के केस चाहते हैं वहाँ पे। और अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है तो आप सिंपल अगर किसी बीमारी के नाम से ढूंढना चाहते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पे हाइपरटेंशन के से संबंधित सारे रिसर्च देखने हैं तो हाइपरटेंशन करके लिख कर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो सारे केसेज आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि पूरा डाटाबेस है यहाँ पे COVID-19 केसेज, नॉन COVID-19 केसेज। तो COVID-19 केसेज में आयुर्वेदा के 0 हैं, यूनानी यानी कि सबके लगभग कोविड केसेज में यहाँ पे 0 केसेज अब तक सबमिट किए गए हैं। नॉन कोविड केसेज में आप देखिए यहाँ पे जितने केसेज सबमिट किए गए हैं यहाँ पे सबको दिखा रहा है। तो यहाँ पे 4 केसेज हैं और चारों होम्योपैथी से ही सबमिट किए गए हैं जो दिखा रहा है। और यहाँ पे सबके आथर के नेम भी है, मनप्रीत कौर, मनप्रीत, मनप्रीत और डॉक्टर जितेश, और यहाँ पे टाइम है। तो अभी तक इस पोर्टल पे जो है केवल 4 ही केसेज सबमिट किए गए और चारों होम्योपैथी से हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे केस आप सबमिट कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको साइनअप पे जाना होगा। साइनअप पे आपका पूरा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। इस पूरे फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। तो चलिए इस फॉर्म को फिलअप करके देख लेते हैं। तो अब हमने साइनअप कर लिया है और अब हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा और कैप्चा फिलअप करके आपको लॉगिन करना होगा।
लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला विंडो आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइड में मेरा नाम है और यहाँ पे मेन्यू है। मेन्यू आप क्लिक करेंगे तो मैनेज केस पासवर्ड लॉगआउट, यहाँ पे ऐड न्यू केस का कॉलम आ रहा है। तो ऐड न्यू केस पे चूँकि हमने आज ही रजिस्टर किया है, कोई अभी तक केस इसमें हमने इनरोल नहीं किया है, इसलिए सब कुछ ब्लैंक है। यहाँ पर ऐड न्यू केस है, ऐड न्यू केस करेंगे तो देखिए ऊपर आ रहा है कोविड 19 केस और नॉन कोविड 19 केसेस। तो जिसमें आपको रजिस्टर करना होगा आपको उस पर क्लिक करना होगा। मान लीजिए हमें कोविड पे करना है तो ये हमको फिलअप करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सब आपको ध्यान से पढ़ना होगा और सबको आपको फिलअप भी करना होगा। और साथ में जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे PDF आप 6 फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, JPEG 4, MP3 की 2 फाइलें और MP4 की यानी कि वीडियोज यहाँ पे 2 फाइलें आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद अंडरटेकिंग पे साइन करके सबमिट करना होगा। और अगर हमें नॉन कोविड केस करना होगा तो देखिए नॉन कोविड केस के प्रोफार्मा बिल्कुल अलग है कोविड से। तो नॉन कोविड केस में आपको यहाँ पे जो आपका वर्क है उसकी टाइटल यहाँ पे डालनी है, आज डिसिप्लिन में जिस डिसिप्लिन के आप हैं वहाँ पे डालना है, और स्पेशलाइजेशन यानी कि जो आपका रिसर्च वर्क है या जो आपका क्लिनिकल केस है इसमें से किस सिस्टम से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे उसको इंटर करेंगे। यहाँ पे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे और जो फाइल आपकी है आप यहाँ पे सपोर्टिव जो भी डॉक्यूमेंट है अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप JPG, PNG, DOC, MP4 फाइल आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद जब आप यहाँ पे जाएंगे मैनेज केस में तो यहाँ पे आपके सारे केस यहाँ पे दिखाएंगे, और उसके बाद आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं।